बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज्जज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, तारीखी कुतुब के मुताबिक तुर्कों के लगभग 22 कबीले थे जो लूट मार किया करते थे। वो आने जाने वाले लोगों और मुसाफिरों को तंग किया करते थे। बादशाह ज़ुल्करनैन ने उन 21 कबाइल के लिए लोहे की एक दीवार बना दी थी, मगर एक कबीला बच गया था जो लोग तुर्क कहलाए। उन्हें तुर्क इसलिए कहा गया कि उन्हें दीवार के बाहर तर्क कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया, और दीगर कबाइल के साथ उन्हें बंद नहीं किया गया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ तुर्कों और तातारी मंगोलों की मुकम्मल तारीख शेयर करेंगे और फिर आखिर पर आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की एक पेशनगोई भी सुनाएंगे जो उन्होंने तुर्कों और मंगोलों के बारे में की थी, और फिर आखिर वो पेशन गोई कैसे पूरी हुई। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने तुर्कों यानी मंगोलों के साथ कैसे जंग की, ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये लोग वस्त एशिया और शमाल मशरकी सहराए गोबी के बाशिंदे थे। मंगोलों को ताता मंगू के कबीले से मंसूब किया जाता है। वक्त के साथ साथ ये कबीला मंगोल के नाम से मशहूर हुआ। चंगेज खान भी इन्हीं कबाइल में से था। आजकल उनके मुल्क को तुर्कस्तान के नाम से जाना जाता है और उसके इर्द गिर्द के इलाके जिन पर तातारियों ने कब्जा करके अपना डेरा जमा लिया था वो दरअसल तारतरी कहलाते थे। आजकल रूस और साइबेरिया में ये लोग कसीर तादाद में रिहाइश पजीर हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों से मार के लड़े और बाद में मुसलमान हो गए, और अफगानिस्तान, ईरान और रूस की सरहदों के इर्द गिर्द ये लोग कसीर तादाद में आबाद हैं। ये लोग खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते हुए जानवरों के रेवड़ सहराओं में चराते थे। इनमें से बहुत सारे लोगों ने खेती बाड़ी भी की। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के जमाने में इन्हीं तातारियों की पुश्त पनाही पर चंगेज खान ने पूरे एशिया में कत्लो गारत और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। यही वो चंगेज खान था जिसने चीन के मशरकी साहिलों से लेकर वस्त यूरोप तक एक ताकतवर और सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। क्याम की बेशुमार निशानियों में से एक निशानी इन तातारी मंगोलों से मारके के बारे में बयान की गई है, जिसकी पेशनगोई अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बयान फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक तुम छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरों वाले, चपटी नाक वाले तुर्कों से किताल न कर लो। उनके चेहरे गोया ऐसी डहाले होंगी जिन पर चमड़ा लगाया गया होता है। कयामत कायम न होगी जब तक तुम ऐसी कौम से किताल न कर लो जिनके जूते बालों वाली जिल्द से बने होंगे। क़यामत की ये निशानी सहाबा किराम के जमाने में वाजिया हो चुकी है। खिलाफत बनू उमैया के दौर में ये जंग तातारी मंगोलों और सहाबा किराम के दरमियान जबरदस्त तरीके से हो चुकी है, जिसके इवज तातारियों को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सहाबा किराम ने न सिर्फ उनको शिकस्त से दोचार किया बल्कि उनसे ढेर सारा माल गनीमत भी हासिल किया। बाद में अल्लाह के हुक्म से उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया और यूं वो सारे लोग उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा बन गए जिनको आजकल तुर्क कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब आखिर पर आपको मंगोल कौम के बगदाद शहर पर हमले से मुतालिक चंद बातें बताते हैं। प्यारे दोस्तों, मंगोल अफवाज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मजाहमत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई तो 10 फरवरी सन 1258 को फसील के दरवाजे खुल गए। 37वें अब्बासी खलीफा मोतसिम बिल्ला अपने वुजरा और उमरा के हमरा मरकजी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू ने वही किया जो उसके दादा चंगेज खान पिछली निसफ सदी से करता चला आया था। उसने खलीफा के अलावा तमाम अशराफिया को वहीं तलवार के घाट उतार दिया और मंगोल दस्ते उम्मुल बिलाद बगदाद में दाखिल हो गए। उसके अगले चंद दिन तक जो कुछ हुआ उसका अंदाजा मौर्रिख अब्दुल्ला वसाफ शेराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो कहते हैं कि वो शहर में भूखे गदों की तरह फिर गए, इस तरह जैसे गजबनाक भेड़िए भेड़ों पर हल्ला
खोल देते हैं। बिस्तर और तकिए चाकुओं से फाड़ दिए गए। हरम की औरतें गलियों में घसीटी गई और उनमें से हर एक तातारियों का खिलौना बनकर रह गई। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर आबाद अलिफ लैला की शहरजाद का शहर, खलीफा हारून रशीद और मामून के कायम करदा दारुत तर्जमा का शहर था। ये वो शहर था जहाँ मुतरजमों को किताबें तोल कर सोना बतौर मुआवजा दिया जाता था। ये दिलकशा मस्जिदों, वसी कुतुब खानों, आलीशान महल्लात, सरसब्ज बागात, लबालब बाजारों, इलम अफरोज मदरसों और पुरतश हमामों का शहर था। इस बात का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग उस शहर में कत्लेआम का शिकार हुए। मोरहीन का अंदाज़ा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवार, तीर या बाले के घाट उतार दिए गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी थी। चंद दिन के अंदर अंदर उनसे उठने वाली बदबू की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर खेमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान जब अजीम शान शाही महल को आग लगाई गई तो उसमें इस्तेमाल होने वाली आबनूस और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाके की फजाओं में फैली और यूं बदबू कम होती चली गई। फारसी के अजीम शायर शेख सादी खासा अरसा बगदाद में रहे। उन्होंने यहीं के मदरसा निजामिया में तालीम हासिल की थी। उन्होंने सकूत बगदाद का एक यादगार नोहा लिखा जिसका एक एक शेर दिल को हिला देता है। हलाकू खान ने 29 जनवरी सन 1257 को बगदाद के महासरे का आगाज किया था। हमले से पहले उसने खलीफा मोतसिम बिल्ला को एक खत लिखा जिसमें उसने कहा, लोहे के सोए को मुक्का मारने की कोशिश न करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती न करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, उसकी खंदकें पाट कर दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी, न बुलंद तरीन आसमान में। प्यारे दोस्तों, ये ऐसी तारीख है कि जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मज़ीद ऐसी ही तारीखी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।